हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है आलू का भुरता, जो कि बना है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये बनाने में जितना आसान है उतना ही है खाने में जायकेदार। इस भुरते को आप पूरी, पराठे या रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है, तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं मेरे स्टाइल में, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे और पैन में डालेंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल, 1 टीस्पून डालेंगे लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा कटा हुआ टोमेटो, 1 थोड़ा फ्राई करेंगे और कुछ थोड़ा सा डालेंगे कटा हुआ अदरक, 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून जीरा और मसालों को अच्छे से भूनेंगे, कटी हुई हरी मिर्च, नमक मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब सभी मसालों को अच्छे से भूनेंगे। आलू मैंने उबाल लिए हैं, सभी आलूओं को ऐसे हाथ से तोड़ लेंगे। ये देखिए छोटे छोटे से पीस में, और बस सभी आलूओं को तोड़ने के बाद और ये देखिए मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। और बस सारे ही आलू अब हमें मसाले में डाल देने हैं। आलू डालने के बाद 1 गिलास पानी डाल दिया है हमने, और अब बस अच्छे से मिक्स करेंगे और फुल आंच पर अब हमें अच्छे से कुक करना है। 10 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। आधा हरा धनिया हम अभी डालेंगे और अच्छे से चलाकर अब इसको ढककर हमें कुक करना है। और अब देखिए अच्छे से पकते हुए 10 मिनट हो चुकी हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है। जो थोड़ा सा अदरक बचाया था मैंने वो भी डाल दिया है, और अब इसको अच्छे से चम्मच चलाकर बस 1 मिनट के लिए और पकाएंगे और बस गैस ऑफ करेंगे। तो गाइस, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान और खाने में बड़ा ही जायकेदार भुरता हमारा तैयार हो चुका है, बड़ा ही बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि भुरता कैसा बना है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब ऊपर से डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। ये देखिए लग रहा है ना कितना ज़्यादा प्यारा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे किसी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।